मेरे साथ आज एक हादसा हुआ, मेरा पैर फिसला और मैं कम से कम 30 फीट नीचे आया, सीधा दरिया में जाता। बहुत बड़ा टास्क है, वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा होगा, ये पूरा ग्लेशियर देखो आप, इसको क्रॉस करके हमें उस साइड जाना है, तो हम पहुंचेंगे लेक पे। ऐसा लग रहा है जैसे गोली पड़ रही है सर पे। लेक देखना इतना आसान नहीं होता, तो जब देख रहे हो जहां से हम जा रहे हैं पूरा पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर। अस्सलाम वालेकुम, इट्स डे सेकंड एंड वी आर हेयर इन कदलाबल। ईशा कदलाबल है, कदलाबल में अभी हम हैं। तो रात भर ज़्यादा नींद नहीं आई, मुझे याद है 4:15 बजे मैंने आखिरी बार टाइम देखा था, तब तक मैं नहीं सोया था। उसके बाद नींद हल्की हल्की आना शुरू हो गई थी, उसके बाद सो गया था हल्का हल्का, ठीक है। और अभी 8:30 बज रहे हैं। वैसे तो वी वर सपोज टू वेक अप अर्ली, लेकिन लेट हो गया बहुत ज़्यादा, और अभी पता नहीं प्लान में थोड़े से चेंज हो सकते हैं। और अभी का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ, धूप है अच्छी खासी और आसमान एकदम ब्लू सा है। यहाँ से देखिए सनराइज़ यहाँ से हुआ है आज, और वहाँ पर भेड़ हैं खड़े हुए, और ये देखो यार पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ ज़बरदस्त लग रहे हैं, एकदम खूबसूरत। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है। और ये वो शेड था जिसमें हम लोग रात भर रुके थे, और कल जो बारिश से हमारे बैग भीगे वो वहाँ पे सूख रहे हैं। तो अभी हाथ मुँह धोते हैं और खाने पीने के लिए कुछ बनाते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो वक्काश ने बड़ी ऐसी चाय बनाई है सुबह सुबह, हमारे पीठ पे दर्द हो रहा है लेकिन चाय बन चुकी है, थैंक यू सो मच। सभी चाय पी रहे हैं, देखो बढ़िया। आज इन पर बहुत निर्भर है हमारा ट्रैक। तो आज सबसे खतरनाक पड़ाव हमारा होगा, जो कि छेरसर के लिए हम लोग आज रवाना होंगे, तो उसी लिए अभी प्रिपरेशन हो रही है, सारा सामान रैप हो रहा है, और देखते हैं आगे जो भी प्लान होगा वो आपको चाय पीने के बाद बताएंगे आराम से। तो अभी फिलहाल के लिए चाय पीते हैं। तो दोस्तों चाय वगैरह हमने पी ली है, और अभी टाइम आ रहा है 10 बज रहे हैं सुबह के, और हम लोग निकल पड़े हैं फिर से अगले पड़ाव के लिए, जो कि हमारा क्या रहेगा वो हमें पता नहीं है। जितना चल पाएंगे उतना डिस्टेंस कवर करेंगे, बाकी बर्फीले पहाड़ देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि कब हम लोग को लेक देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं वक्कास हमारे ग्रुप को ये लीड कर रहा है, क्योंकि रास्ता इसी को पता है सारा, और वो बर्फीले पहाड़ उन्हीं से होते हुए हमें जाना है छिरसर। और ये आखिरी बार नज़ारा देखो, इस वाले शेड में हम लोग रुके थे आज रात, और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी, एक टीम जा चुकी है आगे, एक आधी टीम पीछे चल रही है, बाकी सब अच्छा है। चलिए फिर लेट्स गो। तो 10 बजे हम लोग अपने बेस से निकले थे, कदलाबल या फिर वो चिट्टी नदी भी कह लो, तो यही कुछ जगह का नाम था। और अभी 11 बज रहे हैं, तो मतलब एक घंटे में आज हमने बहुत ही ज़्यादा रास्ता तय कवर कर लिया है ऑलरेडी। ये देखो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तंजील भाई को थोड़ी सी दिक्कत हुई, मामून भाई को, क्योंकि बाहर से ऑब्वियसली इनको आदत नहीं है चलने की। और ये दरिया आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग जजमरग पहुँच चुके हैं, बाय द वे ये है जजमरग, मतलब आगे जाके है थोड़ा सा, तो खूबसूरत नज़ारे यहाँ से भी दिखने को शुरू हो गए हैं। ये देखो घसीट के लेके जा रहे हैं भाई लोगों को, यार माँ कसम यार, ये देखो इनकी हालत बहुत बुरी हो गई है, लेकिन रुकने नहीं दिया हमने। तंजील से चला नहीं जा रहा था, तो इसीलिए उसका बैग भी मैंने ही ले लिया। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो अभी हम लोग हैं दरिया के किनारे, थोड़ा रेस्ट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक घंटा हम बिना रुके चले हैं, और बहुत ज़बरदस्त लगा। और आज मैंने लोंडो से मेहनत करवाई है, जो पीछे चल रहे थे या धीरे चल रहे थे स्लो पेस से, उनको आज दौड़वाया है भाई, मज़ा आ गया। ये देखिए यहीं पे कहीं पे आज रात हम स्टे करेंगे, लेकिन टेंट अभी सामान वह यहाँ पे कहीं पे रखेंगे, फिर ऊपर जाएंगे लेक देखने के लिए, फिर वापस आके रात को वहाँ पे टेंट में स्टे करेंगे, ठीक है। बाकी ये दरिया देखो, मौसम ज़बरदस्त है, दरिया भी खूबसूरत है, अभी छाँव में हम लोग रुके हैं, रेस्ट ले रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ट्रैक करके? जबरदस्त
ये समझ में आया कि जन्नत जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इबादत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पर वही मेहनत दिख रहा है, बस कैसे भी चल रहे हैं भाई, बस अब मौत को से छू के आए हैं। ये देखो ये रहे फैजन भाई, कैसा लगा फैजन भाई? बहुत ही अच्छा लगा, इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी, मैं यहाँ आ गया। बिल्कुल फैजन भाई कैसा लगा? तंजिल भाई आपका मुझे पता है कैसा लगा आपको। तो फाइनली बराबर 12 बजे हम लोग पहुंचे हैं हाकवास, हाकवास क्या, हाकवास जजमारा की जगह का नाम है, मतलब क्या ही ब्यूटी है चारों तरफ। ये देखिए फाइनली हम लोग हाकवास पहुंच चुके हैं, यहाँ से जाते हुए हमें लेक दिख जाएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। प्राउड फील हो रहा है कि हम इतना चले, हाँ बस दुआ यही करेंगे कि अच्छे से हम लेक्स वगैरह भी देख लें और घर वापस अच्छे से हम चले जाएं, बाकी सब बढ़िया है। ये देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी जब बर्फ़ के नज़दीक पहुँचेंगे फिर देखेंगे। ये है जी हाकवास, ओहो, और ये पहला कोठा। तो ये जो एरिया है हाकवास का, यहाँ से ऊपर को नेटवर्क आते हैं, मस्जिद है आगे वहाँ तक नेटवर्क आता है, हमने भी अभी घर कॉल किया है तो अच्छे से बात हो पाती है। तो यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे हाकवास, यहाँ से कॉल हो जाती है। तो जी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखानी है, इतनी हाइट पे बर्फीले पहाड़ों पे दुकान भी है, यहाँ से आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पहाड़ों के पीछे वाला घर, मैं आपको पहाड़ों के पीछे वाली पूरी दुनिया और एक बड़ा सा गांव दिखाने वाला हूँ, क्या आप तैयार हैं? और ये है पहाड़ों के पीछे वाली मस्जिद। पूरे बर्फीले पहाड़ों पे मैगी बन रही है अभी, हमने सोचा थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, एक घंटा यहाँ से हमें लेक तक लगने वाला है, तो इसीलिए भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, हमने सोचा मैगी बना लेते हैं, अभी मैगी बनाएंगे, मैगी खाएंगे उसके बाद हम लोग लेक पे जाएंगे। रो रहा है अभी, अभी भाई हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने खाना खाया, मैगी खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, चावल की तरह खा रहे हैं, बस यही हमारी जिंदगी है, 2 मिनट की मैगी। ये देखो भाई ऐसे नज़ारे में हम लोग मैगी खा रहे हैं। तो अभी 3:30 बज रहे हैं लेकिन बारिश हो रही है और हमें आज ही के आज लेक देखना है, ठीक है, यहाँ से लगभग 1 घंटा लग सकता है लेक तक, और हम एक ही लेक कवर करने वाले हैं जो है भ्रमसर। तो भ्रमसर लेक यहाँ से 1 घंटा की दूरी पर है। तो अभी हम सब ने अभी यहाँ पर हमने सामान रख दिया है, यहाँ पे त्रिपाल बिछा दिया है, रेनकोट्स वगैरह लेके सभी लोग रेडी हैं, देखो आप लोग। तो अभी छाता लेते हैं और निकलते हैं, बारिश हो रही है, देखो आप माहौल कैसा है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, उस पॉइंट पे जाना है वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी, खैर जाना तो है ही, लेक देखना ही है इस बार, बस यही ठान के रखी हमने। तो अभी सभी लोग रेडी हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं बिस्मिल्लाह करके, दुआ यही करेंगे अल्लाह ताला से कि अच्छे से हम जाएं, अच्छे से पहुंचे, अच्छे से लेक देखें और फिर आराम से हम लोग वापस आ जाएं, ठीक है? तो बिना किसी देर के चलते हैं। इधर ओए, तो अभी हम चल रहे हैं लेक की ओर, लेकिन यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, ये देखो आप ओले गिर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चल रहे हैं, और एक लड़का तो डर के मारे पीछे ही चला गया, वहाँ जहाँ पर हमने अभी मैगी बनाई तंजील वहीं पे भाग गया। ये देखो यहाँ पे भेड़ भी है यार, लेकिन ओले गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गोली पड़ रही है सर पे, मेरे हाथ पे गिर रहा है, ऐसे लग रहा है गोली आ रही है मुझे, इतना तेज़ ये ओला गिर रहा है। ये देखो
लेकिन जब ये मुश्किलात हम लोग झेलेंगे तभी हम लोग कुछ खूबसूरत देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये सारी मुश्किलात झेल रहे हैं। बाकी अभी मिलते हैं आपसे आगे। बारिश हो रही है तो ये जो भेड़ है ना, इन्होंने इस बड़े सी चट्टान के नीचे पना लिया। या अल्लाह तेरी कुदरत, बस अब लेक पे पहुंच जाए। दो दिन से चल रहे हैं हम बस लेक देखने के लिए, जो कि मुझे पता है वर्थ इट होगा। तो ये ग्लेशियर पे हम लोग चढ़ने वाले हैं, कदम रखने वाले हैं इस साल पहली बार। यूहू, बिस्मिल्लाह, ये हमने ग्लेशियर पे कदम रखा। वाह माशाल्लाह। ओ ब्रो, फाइनली हम ग्लेशियर पे हम लोग चढ़ चुके हैं और हम यहाँ पहुँच गए। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे आके। 5 साल के बाद मैं आज बर्फ देख रहा हूँ पहली बार। बहुत ही खुश हूँ मैं, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और ये नॉर्मल बर्फ नहीं है भाई, ग्लेशियर है। अल्लाह अकबर, अरे तकबीर, अल्लाह। ये देखो भाई, लेक देखना इतना आसान नहीं होता। जब आप देख रहे हो जहाँ से हम जा रहे हैं, पूरा पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, और कोई रास्ता नहीं, इन पे से पत्थरों पे से चढ़ के जाना है। लेकिन लेक देखने के लिए इतना तो कर ही सकते ना। अभी एक मजेस्टिक लेक और हमारे बीच एक ग्लेशियर है जो हमें पार करना है चल के, ठीक है। इस ग्लेशियर को जैसे हम पार करेंगे हम एक खूबसूरत सी लेक तक पहुंचेंगे, वो है ये। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क है, वीडियो में सच नहीं दिख रहा होगा। ये पूरा ग्लेशियर देखो आप, पता नहीं 5-7-8 फीट बर्फ़ होगी लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेल्ट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर सूरज की किरणें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। देखो वकास कैसे जा रहा है, इसको क्रॉस करके हमें उस साइड जाना है तो हम पहुंचेंगे लेक पे। तो चलिए लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ आज एक हादसा हुआ। इस खूबसूरत नज़ारे में मैं आपसे एक बहुत ही ख़तरनाक कहानी भी शेयर करने जा रहा हूं। जो मैंने आपको ग्लेशियर दिखाया, मैं पूरा टॉप पे था, मेरा पैर फिसला और मैं कम से कम 30 फीट नीचे आया। मैं अपना हाइकिंग स्टिक मार रहा था लेकिन वो फंस नहीं रहा था क्योंकि बर्फ़ हार्ड थी, ठीक है। लेकिन जितने भी मैंने YouTube पे माउंटेनियरिंग पॉडकास्ट या वीडियोस देखे हैं उनसे मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा है जो मैंने आज अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। मैं बिल्कुल काम रहा, अपनी स्किल्स पे मेरे को ट्रस्ट था, तो मैं बस अपना हाइकिंग से गाड़ते गया। लगभग 10 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद एक जगह मैं ऐसे उल्टा और हाइकिंग से गाड़ा और मैं रुक गया फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं सीधा दरिया में जाता। लेकिन अभी वी हैव मेड इट टू डोरसर एंड इट फील्स लाइक हेवन मैन। यहाँ तक लेक तक हम दो पहुँचे हैं, सबसे पहले वकास पहुँचा, उसके बाद मैं पहुँचा। लेकिन अभी मेन बात यह है कि आपको लेक देखना है ना। आई कांट बिलीव माई आईज, लिटरली आप ही देखिए। ये है भ्रमसर लेक, कितना खूबसूरत और कितना माशाल्लाह बड़ा लेक है ये। वाओ, कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब, पूरा बर्फ में ढका हुआ है। और ये पहाड़ देखो आप, फाइनली हम दो भाई पहुंचे हैं डॉटसर लेक। मैं चैलेंज करता हूँ USDR से, आजा लाड़ी यहाँ पे आके मेरे साथ। आपको एक खूबसूरत सी बात बताऊं, चीता, ये जो पूरा बर्फ है ना, ये ऊपर से पहाड़ से फिसल क्या है और लिटरली इट्स फ्लोटिंग राइट नाउ, इट्स फ्लोटिंग। पिछले आठ साल से लिटरली घर पे बैठ के मैं इन पहाड़ों को देख रहा था। कभी ना कभी वो मौका आए मेरी जिंदगी में जब मैं इनको सामने से देखूं, नीचे से देखूं। अल्लाह की कुदरत इतनी इतनी ज़बरदस्त है ना, आज मैं इन पहाड़ों के दामन के नीचे हूँ
और अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत सी लेक का हम मज़ा ले रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बोल नहीं है, बाकी उस अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद इस बंदे का शुक्रिया जो हमें यहाँ पर लेके आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वकास साहब, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, इधर आए पीछे, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक साल पहले सूरज जुम्मा का जो दूसरा रुकू है उसमें एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आप इबादत ख़त्म कर लोगे उसके बाद सैर करो। लेकिन आज सच में पता चला कि अल्लाह ताला ने वो आयत क्यों नाजिल की है। बिल्कुल, ये देखो अल्लाह ताला की कुदरत, वो कहते हैं कि मेरी कुदरत को देखो और पहचानो और शुक्र करो अल्लाह का। और मैं बहुत ही खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि हमने आज अल्लाह ताला की कुदरत सच में आँखों से देख ली। वकास, तो फाइनली पूरा भीग के हम लोग अभी 7 बज रहे हैं और हम लोग अभी अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे भाइयों ने आग जला के रखी थी, तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। ये देखो आग जल रही है, हम पूरा भीग गए। अच्छा अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा गर्माहट मिल रही है। अभी आगे का प्लान देखेंगे क्या करते हैं। तो भाइयों ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, पूरा भीग गए थे। फिर कपड़े चेंज किए, थोड़ा सुखाया अपने आप को, और जहाँ पे हम लोग जिस कोठे में रह रहे थे उसे थोड़ा सा नीचे एक कोठा खाली था, तो यहाँ पे आज हम लोग रात गुजारेंगे। और टेंट हमने आज भी नहीं लगाया क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं बनता था टेंट लगाने का। बाकी यहाँ पे धुआं धुआं साहब कुछ भी नहीं दिख रहा होगा शायद से। अभी हम लोग मशरूम बना रहे हैं, ये जो हमने आते वक्त मशरूम ढूंढे थे ये अभी हम बना रहे हैं। ये देखो अभी वकास भाई धो रहे हैं इनको, और प्याज टमाटर वहाँ पर हमने काट के रखे हुए हैं। बाकी ये यहाँ पर चूल्हा भी है, और यहाँ से सभी लोग इसीलिए भागे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआँ हो गया। बाकी अभी सब्ज़ी बनाते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों खाना वाना हमारा हो गया, लगभग 12:30 बज रहे हैं और हम सोने को जा रहे हैं। थोड़ा सा कंजेस्टेड है लेकिन काम चलाना पड़ेगा, आज रात गुजारनी पड़ेगी कैसे जैसे तैसे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं सुबह, देखते सुबह क्या रहेगा। हमें कल घर जाना है वैसे। चलिए अभी सोते हैं, लेट्स गो।